प्राइमरी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की संस्कृत विषम के एकादश पाठ यानी 11वें पाठ को पढ़ेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम इसकी कहानी को जान लें, फिर उसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। एक दिन सौम्या अपने घर के आंगन में बैठती है और किताब पढ़ती है। तभी एक चिड़िया आकर आंगन में खिड़की के ऊपर बैठ जाती है और उसके बाद वह सूखे हुए तिनकों को लाती है और उस खिड़की के ऊपर अपने घोंसले को बनाती है। सौम्या यह सब रोज देखती है और वह एक छोटे से बर्तन में पानी और कुछ अनाज खिड़की के ऊपर रख देती है। चिड़िया पानी पीती है और अनाज खाती है और वहीं अपने अंडों की रक्षा करती है। एक दिन एक कौवा उस चिड़िया के अंडे को खाने के लिए सौम्या के आंगन में आता है। सौम्या उस कौवे को देखती है और जल्दी से एक जाल लेकर आती है और उसको उस घोंसले के ऊपर रख देती है और उस चिड़िया के अंडों की रक्षा करती है। ये सब देखकर चिड़िया बहुत ही खुश होती है और वह सौम्या के करीब आकर खुशी से च्यूं 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 बोलने लगती है और उसको खुश देखकर सौम्या भी खुश हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये पूरी कहानी थी। अब आइए इस पूरे पाठ को पढ़ें और इसका अर्थ समझें। एकस्मिन दिवसे सौम्या स्वगृह प्रांगणे उपवसते। एकस्मिन दिवसे सौम्या, एक दिन सौम्या स्वगृह प्रांगणे अपने घर के आंगन में उपविशति यानी बैठती है। पुस्तकम पठती, पुस्तक पढ़ती है। तदानीमेव एका चटका, उसी समय एका चटका यानी एक चिड़िया प्रांगणस्य अंतः आगच्छति, प्रांगण के अंदर आती है। सा चटका गवाच्छस्य, वह चिड़िया खिड़की के ऊपरी उपवसति, गवाच्छस्य उपवसति यानी खिड़की के ऊपर बैठती है। एकदा सा चटका शुष्कानि तृणानि आनयन्ति, एक बार वह चिड़िया शुष्कानि तृणानि सूखे हुए तिनकों को आनयति यानी लाती है। नीडम रचयति और घोंसला बनाती है। तत् सर्वं सौम्या, यह सब सौम्या प्रतिदिनं पश्यति, रोज देखती है। सा लघु पात्रे, वह छोटे से बर्तन में जलम स्थापति पानी को रखती है। धान्यानि स्थापयति, थोड़े से अनाज रखती है। चटका जलम पिबती, चिड़िया जल पीती है। धान्यानि खादति, अनाज को खाती है। अंडानि रक्षति और अपने अंडों की रक्षा करती है। एकदा एकः काकः, एक बार एक कौवा अंडानि खादितुम अंडों को खाने के लिए तत्र आगच्छति, वहाँ पर आता है। सौम्या काकं पश्यति, सौम्या कौवे को देखती है। सा शीघ्रं जालम आनयति, वह जल्दी से जाल को लाती है। नीडस्य उपरि, घोंसले के ऊपर जालम स्थापयति, जाल को रख देती है। अंडानि रक्षति और उसके अंडों की रक्षा करती है। एतद् दृष्ट्वा, यह सब देखकर चटका प्रसन्ना भवति, चिड़िया बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। चटका सौम्याया समीपम आगत्य, चटका सौम्या के करीब आकर च्यूं 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 वदति। चटका जो चिड़िया होती है वो सौम्या के करीब आकर च्यूं 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 बोलती है। सौम्या प्रसन्ना भवति और उसको प्रसन्न देखकर सौम्या भी प्रसन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब आइए इसका शब्दार्थ देख लें। गृह प्रांगणे, घर के आंगन में उपविशत यानी बैठती है। तदानीमेव, उसी समय गवाच्छस्य खिड़की के ऊपर यानी ऊपर, शुष्कानि तृणानि यानी सूखे घास फूस, एकदा एक बार, नीडम यानी घोंसला, मनसि यानी मन में, धान्यानि यानी अन्य आदि को, खादितुम यानी
खाने के लिए। ठीक है, आइए अब इसका अभ्यास देख लें। पहला है एक पदेन उत्तरत, उत्तरत एक पद में उत्तर दीजिए। यथा सौम्या कुत्र उपवसति, मतलब कहने का अर्थ है जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया कि सौम्या कुत्र उपवसति, सौम्या कहाँ पर बैठती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा गृह प्रांगणे, यानी घर के आंगन में। सौम्या गृह प्रांगणे उपविशति, सौम्या घर के आंगन में बैठती है। का जलम पीवती, पहला है का जलम पीवती, जल कौन पीता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चटका, चटका जलम पीवती, चिड़िया जल पीती है। ख देखिए चटका किम रचती, चटका किम रचयति, चटका क्या बनाती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा नीलम, चटका नीलम रचयति, चिड़िया घोंसला बनाती है। अगला सौम्या शीघ्रम किम आनयति, सौम्या जल्दी से क्या लेकर आती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जालम, सौम्या शीघ्रम जालम आनयति, सौम्या जल्दी से जाल लेकर आती है। आइए दूसरा देखते हैं, चटका किम किम करोति उदाहरणम लिखत, मतलब कि चिड़िया जो है वह क्या क्या करती है उसका आप उदाहरणानुसार लिखिए। पहले में कुछ शब्द दिए हैं, तिड़ानी जलम नीलम धान्यानी और अंडानी। दूसरे बॉक्स में है रचयति खादति रक्षति पिबति और आनयति, तो इन दोनों बॉक्सों से एक एक वर्ड निकाल के चिड़िया क्या क्या करती है उसे लिखना है। जैसे उदाहरण दिया है चटका त्रिड़ानी आनयति, तो पहले से त्रिड़ानी लिख लिया गया है, दूसरे बॉक्स से आनयति, तो इसका मतलब हो जाएगा चिड़िया त्रिड़ानी यानी तिनकों को आनयति यानी लाती है। फिर दूसरा शब्द है जलम, तो इसका बनेगा चटका जलम पीवती, चिड़िया जल पीती है। तीसरा है नीलम, तो चटका नीलम रचयति यानी चिड़िया घोंसला बनाती है। फिर है धान्यानी, तो चटका धान्यानी खादति, मतलब चिड़िया अनाज या अन्य खाती है। चौथा है अंडानी, तो इसका हो जाएगा चटका अंडानी रक्षति यानी चिड़िया अंडों की रक्षा करती है। अब आइए तीसरा देखते हैं, वाक्यानि पूरयत, वाक्यों को पूरा करिए। चटका नीलम रचति, जैसे चिड़िया घोंसले की रचना करती है या घोंसले का निर्माण करती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें जितने चीज़ें हैं सबको हमें पूरा करना है। पहला देखिए सौम्या स्थापयति, तो बीच में खाली स्थान में भरा जाएगा जलम और धान्यानि, मतलब सौम्या जलम धान्यानि स्थापयति, सौम्या पानी और अनाज रखती है। अगला है चटका, बीच में खाली स्थान है फिर आनयति, तो इसका उत्तर हो जाएगा चटका त्रिड़ानी आनयति यानी चिड़िया तिनकों को लाती है। फिर है सौम्या रक्षति, तो सौम्या किसकी रक्षा करती है, तो सौम्या अंडानी रक्षति यानी सौम्या अंडों को रक्षा करती है या सौम्या अंडों को बचाती है। अगला है सौम्या भवति, तो सौम्या क्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सौम्या प्रसन्ना भवति, सौम्या खुश हो जाती है। तो बच्चों आपको ये पूरा पाठ समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, तो ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।